हाय माय लवलीज, आप देखिए ये है मेरा दिसंबर और जनवरी अब तक सामान आ ही रहा है। सो मैं एक हॉल करना चाहती हूँ, ये इट्स अ ह्यूज हॉल। मैं सब कुछ इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। ये नॉट ओनली अ पर्पल हॉल, ये अमेजन से भी है, फिर नायका से भी है, फ्लिपकार्ट से भी है, एज वेल एज पर्पल से है। पर्पल से कुछ ज़्यादा है। सो मैं ये दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, नॉट ओनली दिस, ये है, मैंने सारा अनबॉक्सिंग कर लिया है। और ये है, यहाँ पे स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फिर कॉस्मेटिक्स है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक्स है। सो अभी मैं अपना हॉल यूज़ करने वाली हूँ। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट दिस स्टार्ट द हॉल। हाय माय ब्यूटीफुल लवलीज, आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सर्दी आ गई है और मैं एक हॉल करने वाली हूँ, और ये हॉल होने वाली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है इस पे। सो रैंडमली जो वाला मेरे हाथ में आने वाला है, मैं वही आप लोगों को शो करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खरीदे है 3 आई शेडो पैलेट्स। ये है निका केस की पैलेट, इसका नाम है पॉइजन एप्पल। जस्ट लुक एट द कलर्स, मेरे वॉल पेंट के कलर के साथ मैच करते हैं ये वाला एप्पल वाला कलर। और बाकी यहाँ पे जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर हैं, मुझे कलर देख के बहुत अच्छा लगा। सो मैंने इसको परचेस किया है। इसके ऊपर भी मैं एक रिव्यू वीडियो प्लस एक मेकअप वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी शुगर से कुछ परचेज करने के लिए। मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक का कुछ है नहीं वैसे। सो अभी मैंने शुगर कॉस्मेटिक का 3 सामान परचेज किया है। एक तो है ये वाला पैलेट, ये कोई आई शेडो पैलेट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रोल पैलेट है। इस ये मल्टीपल काम करेगा। इस पे एक मिरर दिया हुआ है फुल साइज, उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्टोरिंग शेड है, एक हाइलाइटर है और एक ब्लश है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये एडीएस का ब्लम, जो भी इस पर भी एक फुल साइज मिरर दिया हुआ है। ये देखिए इस पर ये सारा आई शेडो है, ये वाला है ब्लश, दिस वन हाइलाइटर, ये दोनों है लिप कलर्स। देखिए मल्टी यूजिंग पैलेट है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है शुगर कॉस्मेटिक का ही है, ये है ब्लश। ये देखिए एक ऑरेंजी सा कोरल सा कलर है, बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है यहाँ पे वाव का हेयर मास्क, ये है रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क। इसकी एक फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ख़रीदा है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो डैंडियोलिन। ये है एक सीरम है ये देखिए, मैंने इसका छोटा कंटेनर ख़रीदा है, इसका बड़ा भी कंटेनर आता है। ये वाला बहुत ही इफ़ेक्टिव एक सीरम है, ये आप ज़रूर खरीद सकते हो। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है यहाँ पे बायोटिक का ही है, ये है बायो इंटर ग्रीन सीरम, ये है स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्नी क्रीम। ये वाला ख़रीदने का एक वजह है, रिसेंटली मुझे बहुत सारे एक्ने हो गए थे और वो एक्ने पिंपल्स का कुछ स्पॉट्स रह गया था, सो उसी वजह से मैंने ये वाला ख़रीदा हुआ है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है यहाँ पे बायोटिक का बायो फ्रूट टैन रिमूवल फेस पैक। नेक्स्ट मैंने लिया है वील सीसी का हेना, जिसपे एक के साथ एक वाला ऑफर में था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ख़रीदा है अल्प्स गुडनेस का हिबिकस पाउडर। हिबिकस पाउडर हम लोगों के हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली पहले जब मैं छोटी थी तो मम्मा क्या करती थी ना, हिबिकस का जो फ्लावर्स होता है उसको लाके घिस के तिल तेल में मिला के मेरे सर पे मेरे हेयर्स पे देती थी कि हेयर्स मेरा ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा ग्लॉसी हो, बहुत शाइन करे इसलिए। सो अभी तो मिलता नहीं है हम लोगों के यहाँ पे, सो मैंने हिबिकस फ्लावर का पाउडर ही मंगवा लिया है। नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पे टोनर ख़रीदा है, और टोनर में यहाँ पे है अब गुडनेस का है ग्रीन टी टोनर, गुड वाइब्स का है कुकुम्बर ग्लो टोनर,
और मेरा एक फेवरेट टोनर है ये, जो कोई भी ऑयली स्किन वाला हो, एक्नी प्रॉन स्किन हो, ऑयली स्किन में नॉर्मली एक्नी एक्नी आ ही जाता है, आप जितना भी अच्छी तरह से रखो, गर्मियों में सर्दियों में एक्नी होते हैं, ये फ्रैकल्स आते हैं, सो उन स्किन टाइप वालों के लिए, बेसिकली मेरे टाइप के जो है उन लोगों के लिए है बायोटिक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। ये पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, एज वेल एज आप लोगों के जिनके एक्ने हैं उन लोगों को भी बहुत हेल्पफुल वाला टोनर है ये। नेक्स्ट मैंने खरीदे हैं कुछ फेस वॉश, इस पे एक है गुड वाइब्स का पापाया फेस वॉश और गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस वॉश। नेक्स्ट मैंने खरीदा है लोटस का सनस्क्रीन मैट जेल PA++ और SPF 50 वाला। ये मैंने अभी इसलिए ख़रीदा है, अभी सब लोग सोचते हैं विंटर सीजन है, सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन सब लोग ये गलत सोचते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में मैंने देखा है सर गर्मियों से ज़्यादा टैनिंग होती है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, गर्मियों में अम्ब्रेला लेते हैं, जो कोई भी मतलब सन से ज़्यादा प्रोटेक्टेड खुद को करता है वो लोग स्कर्फ पहनते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन हम लोग विंटर में सोचते हैं विंटर में तो कुछ होने वाला है नहीं, ठंडी भी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, बत लेने के बाद सन पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं, अम्ब्रेला नहीं लेते हैं, स्कर्फ नहीं यूज़ करते। मैं तो करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों को भी मैंने ऐसा देखा है कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करते। तो उन दिनों के लिए, विंटर सीजन के लिए आप लोग कुछ यूज़ अगर ना करें, फिर भी एटलीस्ट अगर सनस्क्रीन यूज़ करें ना, तो आप सन से प्रोटेक्टेड रहोगे, नहीं तो गर्मियों से भी ज़्यादा सर्दियों में आप लोगों को टैनिंग हो सकती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ख़रीदा है गुड वाइब्स का कैरेटिन हेयर क्रीम। ये वाला क्रीम मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये वाला क्रीम बहुत अच्छा है, शाइन बरकरार रखती है, हेयर्स को बहुत मैनेजेबल बनाता है, सो ये वाला मैंने ख़रीदा हुआ है। बाय द वे यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, कोई भी ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारे मैंने अपने खुद के पैसों से ही ख़रीदा हुआ है। मेरे ये सब प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़रीदा था उससे मुझे गुड वाइब से मुझे कुछ ये बनाना कंडीशनर एक छोटू सा मिला है 10 ml का, ये फ्री था। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है गुड वाइब्स का लिप बाम, ये है एक लेमन फ्लेवर का और ये है एक पल्पिसी मियो, ये अगर मैं राइट प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, ये बेसिकली ग्रेप फ्रूट्स का है और ये है लेमन का। नेक्स्ट है बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बम, मैं जो ऑलवेज यूज़ करती हूँ ये वाला यूज़ करती हूँ ऑलवेज, इसको छोड़ के एक नेविया का है, वो नेविया का स्ट्रॉबेरी वाला है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट मैंने एक प्लम का ख़रीदा है, प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है यहाँ पे रूप मंत्रा करके एक ब्रांड है, आयुर्वेदिक ब्रांड है, इसे मैंने ख़रीदा है ये वाला क्रीम। ये नॉर्मली क्या होता है ना, जब पिंपल्स जब आते हैं तब आप ये वाला क्रीम यूज़ कर सकते हो, ये वाला बहुत अच्छा वाला क्रीम है, ये ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है और आपके पिंपल को थोड़ा सा कम होने में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। नेक्स्ट और एक जो अच्छा चीज़ है रूप मंत्रा का, वो है रूप मंत्रा का पिंपल जेल, ज़ीरो पिंपल जेल। ये जो जेल है, आप जहाँ पे पिंपल हो रखा है उस पर आप डॉट डॉट करके लगा दीजिए, 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यूस करने से आपका पिंपल ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने भी इस बार यूज़ किया है, मुझे ये फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है वायम आयुर्वेदा का शिलाजीत ऑल इन वन, ये एक फेस पाउडर है जिसको आप रोज़ वाटर में या तो फिर पानी के साथ मिला के आप यूज़ कर सकते हो, ये एक इफ़ेक्टिव है। मैंने और एक इसको यूज़ किया था, ये मेरा सेकेंड परचेज है, ये देखिए। और इसके साथ जो एक अच्छा वाला चीज़ है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, इसका स्पून भी एक है। अच्छा, और एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ गुड वाइब्स का प्रोमोगेनेट फेशियल ऑयल है ये। नेक्स्ट अभी है लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश की बारी। सो ये सारे मेरे लिप्स कलर्स है, ये देखिए, सबका स्वाचेस मैं अभी नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ मैं सब दिखा दूंगी। सबसे फेवरेट जो लिप कलर है यहाँ पे, दैट इज
दिस वन फेसेस कनाडा का लिप कलर, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये इवन मैंने एक बार इसको यूज़ भी करा है, सो मैं इसको आपका स्वच्छ दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए, ये कोई भी स्किन टोन में ये इजीली जाएगा और एक बहुत अच्छा लिप कलर है। और एक लिप कलर दिखाती हूँ मैं आपको, इसका भी कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, स्टेक वर्की का है, आई लव सॉरी एम्स्टरडम का है, दिस वन स्टेक वर्की। ओह यस, आई गेट द शुगर कॉस्मेटिक लिपस्टिक, थैंक गॉड मुझे मिल गया, नहीं तो मैं सोचती रहती कहाँ पे मैंने रखा है। ओह दिस वन, ये एक लिक्विड लिपस्टिक है, NY बे का लिपस्टिक है। उसके बाद क्रेयॉन्स है, ये एक लिप क्रेयॉन है, ये भी है NY बे का लिप क्रेयॉन, ये एकदम टोमेटो रेड कलर है। और एक है आई एम्स्टरडम का, ये वाला दिस शिट। सो दीज आर द लिपस्टिक्स। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा नेल पॉलिश। ये है मिस रोज का नेल पॉलिश, ये ग्लिटर नेल पॉलिश है। देन आफ्टर ये सब सारा है स्टेक वर्की का गोल्डन। गोल्डन में दो शेड है मेरे पास, एक थोड़ा सा लाइट गोल्डन है, एक थोड़ा सा डार्क गोल्डन है। ये भी है, ये है NY बे का, ये थोड़ा सा नेऑन कलर है, नेऑन लेमन कलर है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला कलर। फिर ये है स्टेक वर्की का, ये भी ग्लिटरी सा है। ये है स्टेक वर्की का, देन आफ्टर ये है NY बे का, और ये है एम्स्टरडम का। सो दिस इज़ माई हॉल। मेरे मेरे दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो मेरे पास था, जो आया है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर आप लोगों को ये हॉल पसंद आया है, अगर अगर ऐसा ही हॉल आप आगे भी देखना चाहती हूँ, और अगर मैंने जितना सारा प्रोडक्ट दिखाया है आप लोगों को, किसी भी चीज़ का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिव्यू करूँगी, रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये हॉल पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फॉर नाउ लिव ब्यूटिफुल फॉर ब्यूटिफुल, बाय बाय।